मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है, और हम हर दफ़ा एक ऐसी पर्सनैलिटी को आपसे मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में आला मुकाम हासिल किया था, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के सर फ़ख्र से यानी कि हमारे लिए बुलंद किया होता है। आज हमेशा की तरह एक ऐसी पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है, यकीन मानिए किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। सबसे पहली बात, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इतने कीमती टाइम में से, इतना बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने मुझे टाइम अनायत किया है। मेरे दोस्तों में से हैं, और अगर मैं उनका थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मुझे आपका उनका नेम देना ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि जब मैं उनका तारुफ़ कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी शख्सियत है। जी हाँ सर, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर पीर सैयद तारिक शरीफ ज़ादा साहब की। डॉक्टर साहब के बहुत सारी फतवाहत है, उसको बेसिकली स्कॉलर है और PhD स्कॉलर है, और इसके अलावा यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है। पाकिस्तान के वाहिद वो इंटरनेशनल यानी कि स्कॉलर कहेंगे जिन्होंने 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये सीरत के हवाले से काम किया है। वो क्या काम है और कितना वो अभी तक इसके ऊपर मज़ीद ये सफ़र जो गामजन है उनका, और जो ख्वाब थे वो बचपन के, अभी तक डॉक्टर साहब के वो ख्वाबों का सफ़र कहाँ तक पहुँचा है, ये जानने के लिए आज स्पेशल रमज़ान के इस पुरवकार मौके के ऊपर डॉक्टर साहब आज गेस्ट है हमारे ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में। मैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए डॉक्टर साहब की तरफ चलता हूँ और उनकी ज़िंदगी के ऊपर आज हम बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीयत तक पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनी। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले अपने तारुफ में कराया कहा है कि मेरे लिए बहुत आज की बात है, खुश नसीबी है कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, और उससे बढ़ के मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इतने कीमती स्केड्यूल में से आपने मुझे टाइम अनायत किया, और एशियन ट्रेड टीवी की रवायत है पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए हम आप जैसी पर्सनैलिटीज़ को ले कर आते हैं अपने व्यूज़ के सामने। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफ़र के डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब जो हैं, बेसिकली ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है? लोग ये, क्योंकि रवायती सवाल नहीं है, लोग ये जानना चाहेंगे। इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलात तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन ये मेरे लिए भी बड़ा मुसर्रत का बायस है, इत्मीनान का बायस है कि एशियन ट्रेड टीवी जो है उसके लिए उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला कि मैं उनके सामीन और नाज़रीन से हम कलाम होने का शर्फ हासिल करूं। यकीनन आपका प्लेटफॉर्म जो है वो इस हवाले से बड़ी अहमियत रखता है कि आप पाकिस्तान का एक इंतहाई खुशगवार और मुस्बत चेहरा जो है वो दुनिया भर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि पाकिस्तान का खुशगवार और मुस्बत चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान का हकीकी चेहरा ही खुशगवार और मुस्बत है, उसी को ही अगर पहुंचाया जाए तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी हद तक जो है वो इमेज बिल्डिंग का काम जो है वो हो सकता है, और अल्लाह आपसे ये काम बड़ा बखूबी ले रहा है। अल्लाह आपकी तौफीकात में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, यकीनन ये एक ज़ाहिरन तो एक रिवायती सा सवाल है, लेकिन सवाल ये रिवायती होता है लेकिन जवाब इसका हर शख्सियत के साथ अपना एक मुनफरद होता है, और हर शख्सियत की जैसे अपनी एक अलग कहानी होती है, अपना एक माजरा होता है, अपनी एक रुदाद होती है। मेरा नाम जैसे सब जानते हैं डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा है, और मैं एक चकवाल के आप यूँ कह लें कि सूफ़ी घराने के अंदर पैदा हुआ, एक ऐसा घराना जिसमें आँख खुलते ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की खुशबू जो है वो चार दांगे आलम मौजूद थी, और अपने इर्द गिर्द रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदियात दुरूद पेश करने, हदियात अकीदत पेश करने का एक माहौल था,
और उसी ने इब्तदाई तौर पर शख्सियत साजी भी की और किसी दर्जे पर जहन साजी भी की। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस एतबार से बड़ा खुश नसीब रहा कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मेरा एक तालिब इल्म के तौर पर जाना आना रहा, जहाँ जहाँ भी ज़िंदगी की जिन जिन दायरों में सफ़र रहा, हर जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़माने के जो बेहतरीन लोग थे और उन बेहतरीन लोगों में जो बहुत आला इल्मी ज़ौक़ रखने वाले लोग, आला अमली ज़ौक़ रखने वाले लोग, और रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत के तनाज़ुर में फिर बिलखसूस जो है वो एक ख़ास ज़ौक़ रखने वाले लोग जो थे, उनकी सोबत मैसर आई, उनसे इक्तसाब फैज़ करने का मौका मिला। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 9 मार्च 1978 ये एक ऐसा मेरी ज़िंदगी के अंदर रुझान साज दिन था जिस दिन मेरी गोया शख्सियत की सिमत मुतय्यन हुई। ये वो दिन था जिस दिन हकीम सईद साहब ने मुझे एक स्कूल कॉलेज के जो हमारे मुकाबले हुआ करते हैं उनके अंदर मुझे एक किताब तोहफे के तौर पे दी, और उस किताब का नाम था, टाइटल था जो उनकी अपनी तालीफ करदा थी, मुरतब करदा थी, प्यारे रसूल के 100 प्यारे वाक़यात। उन्होंने वो किताब मुझे दी और मुझे कहा कि ये जो किताब है इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 100 वाक़यात हैं, रोज़ाना एक वाक़या पढ़ना है और फिर उस वाक़े को ख़त की शक्ल में मुझे लिखना है। अच्छा। और ध्यान रहे कि 100 दिन में 100 खतूत मुकम्मल हो जाएं। 9 मार्च 1978 को उन्होंने मुझे ये नसीहत फरमाई और मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया, उनको ख़त लिखना शुरू किए, और ठीक 100 दिनों में वो मामला तो मुकम्मल हो गया। लेकिन 9 मार्च 1978 से लेके गुजरी हुई रात तक न जाने कितने दिन ऐसे गुजरे होंगे जिनमें हम सब के साथ ये वाक़या होता, और मेरे साथ भी हुआ कि कई दिन ऐसे गुजरे जिनमें खाना नहीं खाया होगा, कई रातें ऐसी गुजरी जिनमें सोने का मामला नहीं हो सका। लेकिन ये ख़ास मेरे अल्लाह का मुझ पर करम रहा कि उस दिन से लेके आज तक 42-43 बरस के सफ़र में कोई एक रात भी ऐसी नहीं है जिस रात मैंने सबकन हुजूर की सीरत का मुताला ना किया हो। तो ये अब मैं हमेशा ये मैं इसलिए कहा करता हूँ ख़ास तौर पर, एक तो क्योंकि मेरी अवलिन सामीन यूथ है और मैं उन तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना चाहता है उसका ज़ौक़ जो है वो इस अंदाज़ का होना चाहिए। और ये बात बताने के पीछे एक पस मंज़र, इसके पीछे एक और भी हिकमत पोशीदा, और वो ये है कि उमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद इंसानी काविश से कोई काम जो है ना सारा इंसानी कोशिश का ही अमल दखल है। इंसानी कोशिश की अहमियत से कौन जी शऊर इनकार कर सकता है, लेकिन अगर कोशिश से होता तो शायद वो जो दिन जिनमें मैं खाना नहीं खा पाया, कभी ऐसा दिन ना गुजरता जिसमें खाना ना खाया होता, वो रातें उस तरह ना गुजरती जिनमें मैं नहीं सो पाया, तो लेकिन इसके बावजूद इतनी बहुत बुनियादी ज़रूरतों के और इतने बुनियादी तकाज़ों के न पूरा करने के बावजूद सीरत के साथ रोज़ाना की बुनियाद का ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक कायम है। तो ये इससे एक मुझ तक पैगाम कम अज़ कम ये पहुँचा कि इसमें ज़ौक़, आपकी रियाजत, आपकी अपनी संजीदगी और दिलचस्पी ये भी शामिल होती है, लेकिन इससे कहीं बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंतखाब किया जाता है। जब अल्लाह किसी शख्स का अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की नस्बत और ताल्लुक़ से इंतखाब फरमाता है तो फिर वो उसके लिए इस तरह के जो बड़े और नस्बतन नामुमकिन चैलेंजेस होते हैं उनको आसान फरमा देता है। सो ये रोज़ाना ये एक ऐसा नूर का ख़जाना है, मेरे रसूल की ज़िंदगी एक ऐसा अजीम शान खैर का सरमाया है कि रहती दुनिया के सारे इंसान, दुनिया में आने वाला आखिरी जदीद तरीन इंसान भी अगर खुलूस नीयत के साथ और सीखने की नीयत से मेरे करीम रसूल की तरफ रुजू करेगा तो ये ऐसी बरकतों वाली ज़िंदगी है कि ये किसी भी साइल को खाली नहीं लौटाती, कोई ना कोई खैर का मोती, कोई ना कोई खैर का जज्बा, कोई ना कोई खैर पर मबनी आदत जो है वो अपने जुड़ने वाले को अता करती है, और उससे फिर एक ऐसा हिदायत का, रोशनी का, खैर का चिराग जलता है जो फिर बाद में आने वाले कई लोगों तक, कई मुआशरों को बल्कि और कई नस्लों को जो है वो मुनव्वर और मुअत्तर कर रहा होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने ना यूथ के हवाले से बहुत ज़्यादा आपकी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली ओवरसीज़ में आप जाते हैं और यानी कि वहाँ लेक्चर्स वगैरह भी देते हैं, तो थोड़ा सा यूथ के मतलब बताइए कि आजकल के यूथ को क्यों ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत ही उन्हें क्यों है कि उनको, यानी कि आपके यूथ के हवाले से थोड़ा सा आप ये देखिए, दुनिया भर के अंदर जितने रहनुमा आए जी जी उन सब ने अपने पैगाम के लिए जो अव्वलीन सामईन का इंतखाब किया यानी फ़र्स्ट ऑडियंस के तौर पर जिन लोगों को लिया वो अक्सर औकात यूथ रही है। और ख़ुद मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, क्योंकि मैं रसूल रहमत की ज़िंदगी के लिए को एक मीनारा नूर समझता हूँ और ज़िंदगी के सारे शोबों में हिदायत और रहनुमाई के लिए उसी ज़िंदगी की तरफ रुजू करने की कोशिश करता हूँ, मैंने अपने रसूल की ज़िंदगी में देखा
कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी के अंदर दीन के इबलाग यानी तबलीग के हवाले से भी नौजवानों की एक बड़ी मुनफरद अहमियत हमें नज़र आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नौजवानों का शर्फ है। आप ये देखिए कि बच्चों ने हुज़ूर से दीन सीखा, बच्चे हुज़ूर के पास आए और हुज़ूर ने मस्जिद नबी में उनको दीन अता किया, हत्ता कि ख़वातीन ने पर्दे में रहते हुए मस्जिद नबी तक खुद आईं और हुज़ूर से दीन सीखा, बुज़ुर्गों ने जो चल नहीं सकते थे वो भी मस्जिद नबी तक आए और हुज़ूर ने उनको दीन अता किया, इन सब को हुज़ूर के पास आना पड़ा। लेकिन नौजवानों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इनको दीन पहुँचाने के लिए मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास खुद उनके खेलों के मैदान तक तशरीफ़ ले गए। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर रिवायात में आता है, सीरत निगारों ने हमें बताया कि हर बुध का दिन जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस नौजवानों के लिए मखसूस कर रखा था, और वैसे तो सब के लिए वो दर रहमत जो है वो खुला था और आज तक खुला है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हुज़ूर की तरफ से एक ऐलानिया खुशखबरी और आसानी थी कि नौजवानों में जब कोई आना चाहे वो जिस वक्त चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर अपनी जो दिल की उलझन है, अपनी दिल की गिरा जो है उसे खोल सकता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानों के साथ एक ख़ास मोहब्बत और वालेहाना वो एक जो उनको कुर्बत और तवज्जो हुज़ूर ने अता की। मैंने उससे ये सबक सीखा कि किसी भी मुआशरे के अंदर अगर फौरी तब्दीली दरकार है तो आपको सबसे ज़्यादा, वैसे तो सारे तबकाते ज़िंदगी पर ही आपको काम करना चाहिए और हर तबके ज़िंदगी पर काम करने का अपना एक फ़ायदा है और उसकी उसके असरात नज़र आते हैं और अहमियत नज़र आती है। लेकिन नौजवानों पर काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो आप फ़िक्र आप उनको मुंतकिल करते हैं वो उस एक तो ये है कि वो फौरी तौर पर नाफिज़ हो जाती है, मुआशरे के अंदर आपको खैर नज़र आना शुरू हो जाता है। दूसरा, उन नौजवानों की नस्बत से अगली आइंदा आने वाली नस्लों तक वो खैर पहुंचने का ज़रिया बन जाता है। तो इसलिए मैंने नौजवानों को बहुत ज़्यादा ये समझा कि उन पर बात होनी चाहिए। 9/11 का वाक़ा जो है वो इंसानी तारीख का एक बड़ा मुनफरद वाक़ा है, यानी उसके होने और ना होने के जो जवाज़ हैं और उसके उसका पस मंज़र वो तो एक तवील बहस है। लेकिन आपके सवाल के तनाजुर में मैं अपने सामीन और नाजरीन को इस राज में शरीक करना चाहूँगा। 9/11 के बाद जब हम यूरोप की तरफ बढ़े और हमने देखा कि वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो जो जदीद दुनिया है जिसे उर्फ़ आम में हम सब जदीद दुनिया कहते हैं और कई पहलुओं से काफ़ी हद तक वो वाकई जदीद है भी, हमने देखा कि वहाँ पहली मरतबा कई सदियों के गैप के बाद बेशक खौफ की बुनियाद पर ही सही, बेशक नफ़रत की बुनियाद पर ही सही, इस दीन की तरफ लोगों की तवज्जो होना शुरू हुई और उनके यहाँ बेचैनी और इस्तराब में इस दीन के बारे में जो एक मनफी प्रोपोगंडा था उससे बचने के लिए उन्होंने इस दीन को जानना शुरू किया। मैं उन लोगों में से था जिनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली, जिन्हें अल्लाह ने शायद ये रहनुमाई अता की और ये एक ख्याल हमारे दिल के अंदर चराग बना कि ये सबसे बेहतरीन मौका है। इस इंतहाई जदीद मुआशरत में रहने वाला जो नौजवान है वो न जाने कितनी सदियों बाद फिर पलट पाए इस दीन की तरफ और इसकी तरफ मुतवज्जो हो और फिर इसको, और ये दिस इज़ द राइट मोस्ट टाइम इन दैट सेंस कि हमें इस वक्त जो इसके जहन में सवाल आते हैं अगर किसी अंदाज में हम उनके जवाब देने में कामयाब हो सकें और अगले दर्जे पर इसे दीन के साथ जोड़ने की नस्बत से वसूल करने की कोशिश करें तो शायद एक बहुत बड़ा ख़जाना, एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो दुनिया भर के अंदर आ सकती है। और हमने देखा कि जब हम इस तरफ हमने कोशिश करना शुरू की तो दिल में फिर ख्याल आया कि वो क्या चीज़ है जो एक महकूम कौम के आदमी की तरफ से, जो बज़ाहिर इस वक्त दुनिया के अंदर वैसी गालिब नहीं है जैसा इसका शानदार माजी था, जैसा इसके बारे में इसकी तारीख हमें बताती है, उस गलबे की हालत के में ना होने के बावजूद ये जो बहुत दुनिया के जदीद माशरे के रहने वाले लोग हैं उन्हें मेरे पास देने के लिए क्या चीज़ मौजूद है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस गए गुजरे वक्त के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक ऐसा अजीम शान सरमाया है कि अगर मैं इसे मुझ जैसा लुकनत से भरपूर आदमी, इल्म और अमल से आरी आदमी, तकवे से खाली आदमी भी अगर हुज़ूर की ज़िंदगी बयान करता है तो इस ज़िंदगी के अंदर इतनी कुव्वत है, इतनी आला इंसानी अकदार और औसाफ और खूबियाँ मौजूद हैं कि किसी भी दर्जे पर इसे अगर उन तक पहुँचा दिया जाए तो कहीं ना कहीं खैर उन तक उनके दिल पर दस्तक देगा। और फिर हमने देखा कि वहाँ के यूथ के सामने जब हमने इस पर बात करना शुरू की तो एक ऐसा वालेहाना अंदाज में उन्होंने इसको वसूल किया और इसके साथ जुड़ना शुरू हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सिटी से हमने इसका सफ़र शुरू किया था, एक प्लेटफॉर्म से, एक मीडियम से, एक फोरम से ये बात होना शुरू हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 61 ममालिक के अंदर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, हुज़ूर की ज़िंदगी
हुजूर की ज़िंदगी के अंदर मौजूद जो खैर है उसे लोगों तक मुंतकिल करने का एक ज़रिया बन रहा है, वो हमारे लिए भी एक जिसे कहते हैं ईमान में तकवीयत का बायस है, हमारा भी सबक रोज़ का पक्का हो रहा होता है और यकीनन लोगों तक भी ये खैर। सर ये सबसे बड़ी बात बतौर पाकिस्तानी भी ये देखें ना एक बहुत अच्छा यानी कि काम है देखा जाए तो। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त डॉक्टर तारिक श्री पीरज़ादा साहब मेरे साथ मौजूद है ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में, बड़ा इंफॉर्मेटिव किस्म की यानी बात उनसे चल रही है। इस वक्त हम एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सीयत है तो इमाम बुखारी की नस्बत से मेरे दिल में बड़ा ये जज्बा था, शुरू से मेरी ये ख्वाहिश थी कि इमाम बुखारी अलैह रहमा जो हैं उनकी जो सरज़मीन है बल्कि जो मुहद्दिसीन की और सीरत निगारों की सरज़मीन है, यानी आप ये देखें कि सिर्फ सहाय सित्ता के जो आपके 6-7 बड़े मुहद्दिस हैं उनमें से 2 या 3 जो हैं वो उज़्बेकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। इसी वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में दोबारा से खुश आमदेद, और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं डॉक्टर तारिक शरीफ़ज़ादा साहब, नो डाउट यानी कि बहुत बड़े पाकिस्तान के स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपसे बातों का सिलसिला जारी है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा क्योंकि आप चूँकि फाउंडर और प्रेसिडेंट भी है पाक उज़्बेकिस्तान जो फ्रेंडशिप काउंसिल है उसकी, ये बड़े एजाज़ की बात है कि आप दो कंट्रीज़ के दरमियान जैसे ट्रेड टाइज करते हैं इसी तरह रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूज़ को कि क्या ये उसके ऊपर क्या ट्रेड काउंसिल में आप क्या कर रहे हैं इसमें फ्रेंडशिप काउंसिल। बेसिकली दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ ममालिक का आपस में जो रबता होता है उसके लिए यकीनन एम्बेसीज हुआ करती हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट के लिए काम करती हैं, लेकिन एम्बेसीज के साथ साथ बहुत सारी पब्लिक टू पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए भी फोरम्स ऐसे होते हैं जो दो मुल्कों के मामलात में, जी हाँ, जो आपस में इन वहाँ के शहरियों और वहाँ दूसरे मुल्क के शहरियों के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो एम्बेसडरशिप हुआ करती है वो उसके अपने कुछ तकाजे हुआ करते हैं, कुछ अपने नॉर्म्स हुआ करते हैं और कुछ स्टेटस का भी एक उसके अंदर जो है ना वो कुछ तकाजे हुआ करते हैं जिन्हें पूरा करना होता है, क्योंकि वो सरकारी सतह पे दो ममालिक के दरमियान रबते के जो तकाजे हैं उन्हें पूरा करना भी उनकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा होता है। लेकिन पब्लिक टू पब्लिक जो कम्युनिकेशन हुआ करती है उसमें ज़रा नस्बतन आसानी होती है, आप अपने दिल की बात कर सकते हैं और प्रैक्टिकली ज़्यादा मैं समझता हूँ इफ़ेक्टिव है। और दुनिया भर की कम अज़ कम पिछली 50-60 बरस की तारीख हमें ये बताती है कि अक्सर कई ममालिक ऐसे हैं जिन दो ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर और हुकूमती सतह पर वो अचीवमेंट्स नहीं हो सकें जो पब्लिक टू पब्लिक इस तरह के फोरम्स ने आपस में मिलके गवर्नमेंट अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को मुतवज्जो किया और फिर उन्होंने आपस में इकट्ठे होकर काम किया और वो काम जो बज़ाहिर कई सालों पर होता हुआ नज़र आ रहा था उसे चंद महीनों या चंद हफ्तों के अंदर जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। उज़्बेकिस्तान के साथ जैसे मैं एक सीरत के तालिबे इल्म के तौर पर दुनिया भर के अंदर मेरा आना जाना रहता है, तो जब अभी ये जो रशियन स्टेट्स थे इनकी आज़ादी का मरहला नहीं आया था और हमें कुछ आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में ख़बर होना शुरू हुई, तो क्योंकि मेरा बुखारी शरीफ के साथ एक बड़ा ख़ास गहरा ताल्लुक और उनसीयत है तो इमाम बुखारी की नस्बत से मेरे दिल में बड़ा ये जज्बा था, शुरू से मेरी ये ख्वाहिश थी कि इमाम बुखारी अलैह रहमा जो हैं उनकी जो सरज़मीन है बल्कि जो मुहद्दिसीन की और सीरत निगारों की सरज़मीन है, यानी आप ये देखें कि सिर्फ सहाय सित्ता के जो आपके 6-7 बड़े मुहद्दिस हैं उनमें से 2 या 3 जो हैं वो उज़्बेकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह मुस्लिम साइंटिस्ट जो हुए हैं वो भी उज़्बेकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, यानी जितने बड़े नाम हैं अलबैरूनी से लेके इब्न हाशिम तक वो उनका वहाँ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। फिर रूहानी एतबार से शाह नक्शबंद जैसी हस्ती जिनके नक्शबंदी सिलसिले का आप समझ सकते हैं कि बरसग़ीर पाक व हिंद में कितना बड़ा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद है, उनके जो अकाबिर थे उनके जो बड़े थे वो भी शाह नक्शबंद जो हैं वो भी उज़्बेकिस्तान से हैं गोया। और फिर ये जो यहाँ पर मुग़ल्स आए और मुगल्स ने जिस तरह सब कॉन्टीनेंट और खुसूस पाकिस्तान का ये जो खित्ता है इसके अंदर जो उनकी खूबसूरत यादगारें इमारात की शक्ल में बागात की शक्ल में नहरों की शक्ल में जो हमारे पास मौजूद हैं ये भी हकीकत में हमें उज़्बेकिस्तान के साथ एक हमारे जुड़ने का ज़रिया। और फिर इन सारे नस्बतों से बढ़ के रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस दीन की नस्बत जो है उसने हमारे और उनके दरमियान एक मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। तो जब ये अभी अपने आज़ादी के मराहिल में थे तो मेरे दिल में ख्वाहिश हुआ करती थी कि कोई ऐसा वक्त आए कुछ ऐसा ऐसी सूरत और सबील बने कि हमारे और हम उन तक पहुंच सकें ये हम तक पहुंच सकें और हमारे और इनके दरमियान जो है वो कुर्बतें हों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो जो एक रशियन ईरा है उसके अंदर तो उन्हें दुनिया भर से बिल्कुल मुनक़ता करके रखा गया और बिलखसूस मुसलमान ममालिक से, और फिर मुसलमान ममालिक में भी अफ़गानिस्तान के तनाजुर में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए बड़ा हाईली सेंसिटिव जोन था, तो रशियन जो इन्फ्लुएंस था उसने उनको पाकिस्तान के बिल्कुल करीब नहीं आने दिया। सो एक
एक यूं कहने कि वो एक आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब अल्लाह ने उनको आज़ादी अता की तो उनके यहाँ भी ये जज्बा पाया गया कि हम बाकी मुसलमान ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाएं, और यकीनन हमारी ख्वाहिश और जज्बा तो था ही। तो हमने ये देखा कि और उनका ये तजर्बा और ये एक परसेप्शन था जो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुसलमान ममालिक में उन चंद मुल्कों में से एक है जिसने बड़ा जिसका बड़ा एक सोशल इम्पेक्ट है, फिर पॉलिटिकल इम्पेक्ट है ग्लोबली, और फिर जो इसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस मुल्क की अहमियत को कई गुना कर देती है। यूनाइटेड नेशन में भी फ़ाल एक मुल्क है, फिर मुसलमानों में एक अपनी यानी मुख्तलिफ कुव्वतों और हैसियतों के अतबार से भी बड़ा मुनफरद है, अपनी अफवाज के अतबार से भी, अपने इंटेलेक्चुअल्स के अतबार से भी, अपनी जो अफरादी कुव्वत है आबादी उसके अतबार से भी, और इन सारी चीज़ों से बढ़ के ओ आई सी के अंदर इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल है। तो उन्होंने उसको देख के उनके अंदर भी एक बड़ा जज्बा और ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बने। तो मैं उन खुशनसीब लोगों में हूँ जिन्हें बहुत इब्तदाई दिनों में वहाँ उनके साथ राह और रसम बढ़ाने का मौका मिला, उनके साथ मोहब्बत कायम करने का मौका मिला, और फिर वो जो जैसे दो बिछड़े हुए भाई मिलते हैं उस तरह कई सदियों की मुसाफत के बाद हम आपस में मिले और हम आपस में मुलाकात हुई। फिर हमने ये देखा कि ये जो खैर का जज्बा मेरे और उनके दरमियान किसी सतह पे, एक इनफरादी सतह ही आप उसको कहें या निजी सतह कहें, उस पे है, इसे किसी फोरम की कैपेसिटी में होना चाहिए ताकि ये मोहब्बत जो है वो ज़्यादा इसको जो है ना मल्टीप्लाई किया जा सके और दोनों तरफ हो। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर कोई लगभग 4-5 बरस पहले जो है पाक उज़्बेक फ्रेंडशिप काउंसिल जो है उसका हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और ये जिस तरह पाकिस्तान में काम करती है इसी तरह ये उज़्बेकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, और वहाँ जो फोरम है जैसे यहाँ का फोरम उज़्बेकिस्तान से कुर्बत का ज़रिया बनता है, वहाँ के हेरिटेज कल्चर लैंग्वेजेस रिलीजन उसके हवाले से लोगों को आगाही देता है, बिल्कुल इसी तरह वहाँ पर जो ये फोरम है वो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानियत के हवाले से, हमारी तर्ज़ मुआशरत जो है, हमारे यहाँ जो कल्चर की खूबसूरतियाँ हैं, जो ज़ुबान की, जो पकवान की, जो शेर व अदब की, जो हमारे यहाँ दानिश के हवाले से, विजडम के हवाले से जो कुछ यहाँ मौजूद है, सूफिया के नस्बत और ताल्लुक से जो कुछ यहाँ पर एक अजीम शान ख़जाना इस खत्ते के अंदर मौजूद है, तो गोया ये यहाँ का खैर वहाँ के लोगों तक पहुँचने का उसके इबलाग का ज़रिया बन रहा है, और वहाँ वाला जो है वो यहाँ का बन रहा है। और एक कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल होता है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि इसका फ़ायदा ये है कि जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वो पाकिस्तान आज से, यानी मैं 1991-92 की बात आपसे कर रहा हूँ, उस वकालत ये थी कि वहाँ पर पाकिस्तान की नस्बत से सिर्फ दो शख्सियात को जानते थे और जानने की तड़प थी, बेस बुनियादी मालूमात थी। एक हज़रत दातागंज बख्श अलैह रहमा के हवाले से, क्योंकि रूहानी तौर पे जो वहाँ पे बुज़ुर्ग हैं सब ने, उन्होंने अपनी अपनी तहरीरों में कहीं ना कहीं उनसे इक्तसाब फैज़ का जिक्र कर रखा है, उनकी जो रूहानी मकाम और मरतबा है और जो उनका इल्मी मकाम और मरतबा उस पर बात कर रखी। और दूसरा अल्लामा इकबाल अलैह रहमा की नस्बत से उनके यहाँ एक जज्बा था कि उन्हें वो जानते थे कि एक बड़ी शख्सियत है जिसने एक इतने बड़े खित्ते के जो महकूम मुसलमान थे उनको आज़ादी का जज्बा दिया, और क्योंकि वो ताज़ा आज़ादी की जद्दोजहद से निकले हुए थे तो वो आज़ादी की अहमियत से भी वाकिफ़ थे। और वो लेकिन इन दो शख्सियात के अलावा बाकी के बारे में उनका जज्बा खैर तो मौजूद था लेकिन बुनियादी मालूमात नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ देख के हमें खुशी होती है कि लगभग 500 से ज़ायद शख्सियात पे वहाँ काम हो रहे हैं जो पाकिस्तानी शख्सियात हैं, या यूँ कहिए कि जिनका बुनियादी असल वतन जो है वो पाकिस्तान है। तो ये यकीनन खैर की बात है, इसी तरह वहाँ की भी कुछ शख्सियात जो हैं यहाँ जहर बहस आ रही हैं, मुस्लिम उम्मा जो है वो दोबारा से आपस में एक रबते में आ रही है, कुर्बतें और मोहब्बतें बढ़ती हैं। बल्कि डॉक्टर साहब ये पूरी बेल्ट जो है ना ये पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यू रशिया से ये जितनी स्टेट सीआईएस कंट्रीज़ इसमें अजरबैजान और ये सारी आती है, तो आपको उधर भी थोड़ा सा यानी कि वहाँ भी मैंने देखा पाकिस्तानियों की ऐसा ही है, ऐसा ही असल में उज़्बेकिस्तान तो क्योंकि फिर कहीं से आगाज़ तो आपने काम का करना होता है। अच्छा उन जो रियासतें हैं उनके अंदर भी यकीनन सबकी अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन उज़्बेकिस्तान का उनके यहाँ भी ऐसा कलीदी एक किरदार है कि गोया वो उन सब के दरमियान एक रबते का यूँ कहने ज़रिया है। ये ऐसे ही है जैसे मैं अगर चकवाल में बैठ के ये काम कर रहा होता तो यकीनन उसकी भी अफादियत होती, लेकिन लाहौर में बैठ के ये काम करना, कराची में बैठ के या इस्लामाबाद में बैठ के काम करना, तो उस काम का कैनवस वसी हो जाता है, ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। तो उज़्बेकिस्तान जो है ये मंजिल नहीं है, ये आगाज़ कार है, यहाँ से एक खूबसूरत इब्तदा हुई है, और इंशाअल्लाह इसी की नस्बत से बाकी जो ममालिक हैं उन सब के दरमियान भी उन सब से भी खैर की खबरें आ रही हैं, और इंशाअल्लाह वहाँ पर भी मोहब्बत का पैगाम जो है और पाकिस्तान का जो हकीकी चेहरा है वो खूबसूरत चेहरा जो आप भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, उस बुनियाद पे हम जो है ना वहाँ भी अपना जो है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मेरे साथ मौजूद है,
और उनकी जो आप खिदमात सुन रहे हैं कि जो उन्होंने नेशनली इंटरनेशनली तौर पर दुनिया के लिए भी काम कर रहे हैं, वो इस वक्त हम एक स्मार्ट सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं हम आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और ये जो सीखने का अमल है ना, सीखने की ख्वाहिश जब तक आपके अंदर रहती है उस वक्त तक आपके अंदर तख्लीक के इम्कानात कायम रहते हैं। तो ये जो कैलीग्राफी है ये भी बेसिकली कैलीग्राफिक पेंटर के तौर पर जो मेरा एक ज़ौक है ये भी यानी शेर व अदब से होता हुआ यहाँ तक जो पहुँचा। वेलकम बैक नाज़रीन ख्वाबों से तबीर तक पावर्ड बाई मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। और आज मेरे साथ हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। डॉक्टर साहब इतना यानी कि आप बिजी स्केड्यूल है आपका, और ये किस तरह से आप मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ें? टेलीविजन इतने सारे चैनल्स पर आप आजकल अफ्तार की ट्रांसमिशन चल रही है, सहरी और अफ्तार, उसके बाद और फिर आपके सीरत के हवाले से भी काम हो रहा है, यूथ के ऊपर भी काम कर रहे हैं आप, लाहौर चैम्बर की एक कमेटी है उसको रिलीजियस की उसको भी हेड कर रहे हैं, और ये सब किस तरह से मैनेज, हाउ इज मैनेज इजीली, यानी कि बिहाइंड दी? बहुत सादा सी बात है जी मेरे, क्योंकि बहुत इब्तदाई दिनों से जो मेरे मेंटोर हैं वो हकीम सईद साहब हैं। और हकीम सईद शहीद अलैहिर्रहमा ये फरमाया करते थे कि अपने दिन का आगाज़ अल्लाह से वक्त में बरकत की दुआ से करना चाहिए। तो मेरा ये मामूल है, मैं जब उठता हूँ जिस वक्त जी उसके साथ वक्त जो बहुत एक एहतमाम के साथ अल्लाह से वक्त में बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। आप देखें जिन लोगों से भी अल्लाह ने बड़े काम लिए उनकी यानी पहली अलामत ये होती है कि अल्लाह उनके वक्त में बरकत डाल देना देता है। अब होता क्या है, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आम आदमी के पास होते हैं, लेकिन जब आप ज़रा निस्बतन करीने सलीके से उनकी तरतीब बनाते हैं, उनकी डवियन आप जो है ना वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि वो हकीकत पसंदाना हो, तो फिर अल्लाह ताला आपसे काम जो है वो लेना शुरू कर देता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जो रिलीजियस अफेयर्स कमेटी है उसको भी ज़ाहिर है उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे पास है, और हम उससे भी जो ताजर हैं, क्योंकि ताजर बराह रास्त जो अमली ज़िंदगी है ना उसका इस्तारा हुआ करता है किसी भी मुआशरे के अंदर। बिल्कुल। और ताजर इतना अहम तबका है कि अल्लाह ने हर नबी को जो है वो तजारत के मरहले से गुजारा है, तो हम समझ सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट मीडियम है। और किसी मुआशरे का जब ताजर दयानतदार हो जाता है, दीनदार हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली पूरा मुआशरा जो है उसके लिए दीनदार होना आसान हो जाया करता है। तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पे अपनी मसरूफियत के बावजूद ये सोचा और इसके लिए अपने आप को पेश किया, इस ऑफ़र को कबूल किया कि मुझे ये करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े मुस्बत असरात आ रहे हैं और एक इब्लाग का जो एक सिलसिला है वो चल पड़ा, अल्लाह ताला इस खैर में और बरकत डाले। दूसरा जो आपने ये फरमाया कि मुख्तलिफ क्योंकि मीडियम्स के अंदर हम काम कर रहे होते हैं, जैसे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 30 दिन का एक महीना होता है और हम कोई 42 के करीब सीरियस सेशन जो है ना मुख्तलिफ उसमें करते हैं, और डेली बेसिस पे एक यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ना उसको हमने टारगेट में रखा होता है कि रोज़ाना किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी न किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो पाक आर्मी हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक भर कोशिश मिलती है होती है, ये कोशिश होती है कि उनके साथ उनके जहन में जो सीरत के तनाजुर में सवालात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाए, उनके जवाबात तलाश करने की कोशिश की जाए। तो जहाँ ये सारा काम है वहीं पे एक बहुत नुमाया हवाला जो है वो मजलिस जिंदा दिलां का भी है, और मैं समझता हूँ कि मजलिस जिंदा दिलां का अगर जिक्र ना किया जाए तो बात मुकम्मल रहती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे अहद के बहुत बड़े अदीब शायर दानिश्वर और सूफी अदीब जनाब इशफाक अहमद जो थे, ये उनका जारी करता हुआ एक सिलसिला खैर है, और फिर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही, क्योंकि उस वक्त इसकी इसके नज़म की ज़िम्मेदारी मेरे पास थी, इसको अरेंज करने की ज़िम्मेदारी मेरे पास थी, फिर वो अपनी ज़िंदगी में ही ये खुशनसीबी मेरे सुपुर्द कर गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हम एक नशिस्त करते हैं जिसमें तमाम तबकाते ज़िंदगी से लोग आते हैं, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के जो सीनियर लोग हैं वो भी आते हैं, इसके अंदर एजुकेशनिस्ट भी आते हैं, इसके अंदर ब्यूरो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो भी आते हैं, ताजर भी जी बिल्कुल ताजर भी आते हैं, लॉयर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, जो तमाम तबकाते ज़िंदगी उनसे बाखबर लोग, इवन मीडिया की एक बड़ी तादाद उसमें मौजूद होती है, और हम गैर रस्मी अंदाज में सवालात जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलते फिरते हमारे जहन में जो सवाल एक यूँ कह लें कि जो एक रुकावट बन के हमारे गिरा बन के हमारे जहन में रुक जाता है उस गिरा को खोलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अहद साज के नाम से अलहमरा जो है उसके अंदर हम हर महीने एक नशिस्त करते हैं जिसमें हम अपने मुस्लिम मशाहिर, और मुस्लिम मशाहिर में भी वो लोग जो जिनका साइंस में फ़लसफ़े में यानी इल्म की दुनिया के अंदर जिन लोगों ने दुनिया को कंट्रीब्यूट किया, जैसे इब्नुल हाशिम हैं, जैसे इब्ने अरबी हैं, जिस तरह जाबिर बिन हयान हैं, उमर ख़याम हैं, ऐसे जो बड़े लोग थे, हज़रत इकबाल हैं, ऐसी शख्सियात को हम
अपने नौजवानों के साथ मुतारफ़ करवाते हैं और फिर उसकी इख्तिताम, और उसमें मदारिस के बच्चे भी मौजूद होते हैं और किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी के बच्चे भी मौजूद होते हैं, और उन्हें इकट्ठा बिठा के उन्हें एक थॉट प्रोसेस से गुजारा जाता है और दोनों तरफ के सवालात लिए जाते हैं। और ये भी खैर का सिलसिला है। इसी तरह ऐवान पाकिस्तान एक हमारा फोरम है जिसमें हम पाकिस्तान के जो समाजी मौजूदात हैं जिन्हें हकीकी तौर पे तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को लेना चाहिए, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बदकिस्मती से सिर्फ सियासत को जो है वो अपना ओढ़ना बिछोड़ना बनाए रखे है उसने, और वो उनकी प्रायोरिटीज़ अपनी हैं। तो हम समझते हैं कि वो समाजी मौजूदात जिन पर असल में माशरे ने आगे चल के फलना फूलना होता है, उन मौजूदात को, उन मसाइल को उजागर किया जाए और उसके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें बिठाया जाए और उनकी गुफ्तगू के नतीजे में जो सिफारशात मुरतब हों वो फिर हुकूमत पाकिस्तान तक, हुकूमत तक उनको पहुँचाया जाए, और ना सिर्फ उन तक पहुँचाई जाए बल्कि जो उनके अंदर खैर का कोई पहलू ऐसा है जो इनफरादी दर्जे पर मेरा और आपका करने वाला है, वो जो हमसे वाबस्ता लोग हैं आलमी दरूद मरकज़ की शक्ल में, आलमी सीरत मरकज़ की शक्ल में, उनको भी उस पर पाबंद करते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे सीरत क्लब्स हैं उनके साथ भी हम उसको जहाँ पे सीरत सेशन होते हैं उनको भी इसमें शामिल करते हैं। तो ये खैर के कई ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर जो है जिनके ऊपर काम हो रहा होता है, बस अल्लाह की तरफ से वक्त में बरकत की हर आन दुआ रहती है, अल्लाह फिर हमारे लिए रास्ते जो है वो आसान करना शुरू कर देते हैं। बेशक डॉक्टर साहब, आपकी ज़िंदगी में तो आपके जितने डिस्कस कीजिए कम है, आपने इतना कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, आप आर्टिस्ट माइंड भी हैं और आपने कैलीग्राफी, सर जो मेरा भी मशगला रहा है, और आप कैलीग्राफी के ऊपर भी आपका बूर हासिल है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप, मैं बताना चाहूँगा बल्कि एशियन ट्रेड टीवी के हवाले से नाज़रीन डॉक्टर साहब 5 जो बुक्स है उसके ऑथर भी हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब का एक बल्कि एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि मैं समझता हूँ आलमी इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खुशी की नवीद होगी। पहले मैं बता दूँ, एक सीरत के नेम से एक टेलीविजन डॉक्टर साहब लेकर आ रहे हैं, सैटेलाइट एंड डिजिटल मीडियम होगा जिसके ऊपर सीरत के ऊपर क्या होगा मज़ीद वो डॉक्टर साहब खुद ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। डॉक्टर साहब जी, बुनियादी तौर पे एक बात, क्योंकि एक तख्लीकी ज़ौक तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मौजूद था और कुछ नया और मुनफरिद करने का एक जो जज्बा है वो तो मौजूद रहा, और ये जो सीखने का अमल है ना, सीखने की ख्वाहिश जब तक आपके अंदर रहती है उस वक्त तक आपके अंदर तख्लीक के इम्कानात कायम रहते हैं। तो ये जो कैलीग्राफी है ये भी बेसिकली कैलीग्राफिक पेंटर के तौर पर जो मेरा एक ज़ौक है, ये भी यानी शेर व अदब से होता हुआ यहाँ तक जो पहुँचा उसके पीछे वही था, कुछ नया करने का जज्बा जैसे होता है। और इस मीडियम के अंदर इतना अजीम शान विरसा मुसलमानों के पास मौजूद है और ऐसा ऐसा कमाल का काम लोगों ने कर रखा है कि जिस, हाँ आप ये देखें, आप जितना उसकी गहराई में जाते हैं हैरत की एक नई दुनिया, एक नया जहान आप पर खुलना शुरू हो जाता है। तो उसी इंस्पायरेशन में मैंने भी काम किया, लेकिन मुझे कभी कभी ये मलाल होता है कि अब मेरी वक्त की तरतीब कुछ इस अंदाज़ है कि अब मैं उस ज़ौक को उस तरह नहीं कर पाता जैसे मैं अपनी बहुत नौजवानी या जवानी के दिनों में जिस तरह उसको मैंने इख्तियार कर रखा था। लेकिन अभी भी जब कभी कोई मौका मिलता है तो कोशिश होती है कि चलें, ये मेरा एक जिसे कहते हैं ना कैथारसिस करने का, और ये मेरा आराम करने का तरीका है शेर कहना या अदब के हवाले से कोई खिदमत सर अंजाम देना। अब जैसे मैंने दोबारा एक 15 बरस के वक्फे के बाद दोबारा से कॉलम लिखना शुरू किया मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो वो इसी ये यूँ समझ लें कि अपनी थकावट उतारने के लिए और अपने ज़ौक को दोबारा से जिला देने के हवाले से जो है ना वो शुरू किया गया, और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गया है, और अल्लाह ताला बस उसको भी लोगों तक खैर पहुंचाने का जरिया और वसीला बनाए। जो सीरत टीवी के हवाले से आपने अपने सामीन और नाज़रीन को खुशखबरी में शरीक किया, तो मैं ये बताना चाहूँगा और यकीनन ये सारे रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशी का और मुसरत का बायस होगा कि हम एक ऐसा टेलीविजन नेटवर्क ला रहे हैं जो ट्राईलिंगुअल होगा, इंग्लिश, उर्दू और अरबी तीनों ज़ुबानों में बैक वक्त रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी के जो जदीद और कदीम पहलू हो सकते हैं, और रसूल रहमत सल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो आज की मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए हिदायत और रहनुमाई मौजूद है, वो जो खैर का ख़जाना मौजूद है उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और ये इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द जो है आप सबकी दुआओं और नेक तमन्नाओं की दरख्वास्त के साथ मैं ये खुशखबरी आपको दे रहा हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका इजरा होगा। और ये इसका हमने जो टाइम डिवीजन है, कंटेंट डिवीजन है, वो भी कुछ इस अंदाज से की है कि रसूल रहमत सल्लम के फरमान की रोशनी में आपकी ज़िंदगी से रोशनी लेते हुए हमने कोई इसका 33% जो है वो यूथ के लिए रखा है और 33% जो है वो एक्सक्लूसिवली ख़वातीन के लिए रखा है। और ये जो जदीद उलूम है जिन्हें उर्फ़ आम में हम साइंस कहते हैं, उसकी जो रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी के साथ एक तत्वीक बनती है, एक रेलिवेंसी बनती है। हम ये चाहेंगे कि इस मीडियम और प्लेटफॉर्म से
जहाँ हुजूर की ज़िंदगी पर लिखी जाने वाली जो कदीम उम्मुल कुतुब उम्महातुल कुतुब हैं, जो मदर सोर्सेज हैं, उन पर भी बात हो, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अहद हाज़र का इंसान का जदीद इल्म है, जिस पर इंसान को बड़ा मान है, वैसे इंसान की फितरत का ये हिस्सा है कि हर ज़माने के इंसानों ने जो नई दरियाफ़ या नया इल्म हासिल किया होता है उस पर उनको बड़ा मान और फ़ख्र होता है। तो ये जो आज का जदीद तरीन इल्म है, जो आइंदा आने वाली कई सदियों में बहुत आगे फलता फूलता नज़र आता है, जिसे उर्फियत में हम साइंस का इल्म कहते हैं, उसकी जो रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी के साथ रेलिवेंसी बनती है, मैं ये चाहूँगा और मेरी एक अदना सी कोशिश होगी कि हम इस प्लेटफॉर्म से, ये जो सीरत टीवी का प्लेटफॉर्म है, इससे इस खूबसूरती को भी लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, हम और हमारा दारा जो है नेक ख्वाहिशात के साथ इस अमल में आपके साथ हर वक्त हर लम्हा शामिल दुआ भी हैं। और डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए है, आपके लिए है डॉक्टर साहब, आज का मुसलमान जो है वो दुनिया में परेशान क्यों है और इसका हल क्या है? बहुत सादा सी बात है, जब भी कोई चीज़ अपने असल से दूर होना शुरू हो जाती तो वो उसके अंदर से इत्मीनान जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप ये देखें, इंसानों ने हमारे लिए तो इस बात को समझना, इस ज़माने के लोगों को तो इस बात को समझना बहुत आसान हो गया। आप उन माशरों पे नज़र डालें, आप खुद उससे वाबस्ते हैं और आप वहाँ आते जाते रहते हैं और आप उसे जानते हैं कि उस माशरे ने जितनी अपने इर्द गिर्द रोशनी बना ली है और रोशन कर ली है अपना इर्द गिर्द, क्या इससे पहले कभी किसी ने किसी ज़माने के इंसानों ने तसव्वुर किया था इस जदीदियत को, इस मॉडर्निज्म को, इस फैसिलिटेशन को जो इस ज़माने के इंसान को? लेकिन आप ये देखें कि इंसानी पूरी तारीख में जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, इस्तराब, मायूसी जितनी इस ज़माने के अंदर है, इससे पहले किसी ज़माने में मौजूद नहीं थी। तो सहूलियात अगर आसाइश, राहत और आराम का ज़रिया थी, तो फिर इस ज़माने से बेहतरीन ज़माना तो कोई नहीं था। गोया इसका क्या मतलब है कि इन बेहतरीन आसाइशों और सहूलतों की मौजूदगी में तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत पुरसकून हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस तरह परेशानी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ क्यों गई? इसलिए बढ़ गई कि जब बाहर रोशनी बढ़ जाती है ना, तो अंदर अगर तवज्जो ना हो तो फिर अंदर का अंधेरा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हर वो शख्स जो इत्मीनान लेना चाहता है, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर बहुत सारी राजों से पर्दे उठाए इंसानों के लिए, लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने इंसानों के साथ चैलेंज के लहजे में बयान की है, जिन्हें अल्लाह अला के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। ख़बरदार, उन जो खूबसूरत से चैलेंजेस हैं अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए, उनमें से एक चैलेंज ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ख़बरदार, दिलों का जो इत्मीनान है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र, अल्लाह के ध्यान, अल्लाह की तरफ रुजू करने के साथ वाबस्ता है। सो ये एक तयशुदा बात है, इंसान इस ज़माने का हो, हमसे बहुत कदीम पुराने ज़माने का हो, हमारे बाद आने वाले किसी बहुत जदीद ज़माने का हो, ये आसाइशें उसको वक्ती राहत तो दे सकती हैं, लेकिन हकीकी इत्मीनान के लिए उसे दोबारा अपने असल के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब्द के लिए, बंदे के लिए राहत का इकलौती पनागाह जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तसव्वुर और अल्लाह की याद है, अल्लाह का कुर्ब है। जो जितना जितना अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाता है, इतना इतना वो राहत और आसानी के करीब होना शुरू हो जाता है। ये आज से जिस दिन इंसान पहले दिन इस कुर्रा अर्जी के ऊपर इंसान ने कदम रखा था, उस दिन भी राहत और आसानी का यही फार्मूला था, आज के लिए भी यही फार्मूला है और आखिरी पैदा होने वाले इंसान के लिए भी ये फार्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है और यही हकीकत है और इसी को जानना चाहिए हमें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज की इस नशिस्त में डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे ख्वाबों से तबीयत तक के इस एपिसोड को, भी यकीन आपको बहुत पसंद आएगी हमेशा की तरह। और हमारा मकसद वही है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना। इसके साथ शाहिद मियां को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए एक नए स्टार के साथ हाजिर होंगे हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे? अब्बा आपने घर क्यों बेच दिए? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील
आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।